20 नंबर तक सवाल हम लोग कर लिए थे सक्शन फिल्टर का। हाँ 21 नंबर सवाल करेंगे हम लोग। 21 नंबर सवाल है आपका कि किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा फ्लूड है या कौन सा फ्लूड सिस्टम है जिसमें संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक में हम लोग करते हैं इसका प्रयोग। न्यूमेटिक में हवा का करते हैं, हाइड्रोलिक में फ्लूड का करते हैं यानी द्रव का करते हैं। और वो संचरित द्रव ही होता है, संचरित मतलब उसको संचार करके रखना, उसको जमा करके रखना। अगला है कि किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट और एक आउटलेट होता है। मीन्स इनलेट दो होते हैं, इनपुट सीधा सीधा इनलेट को हम लोग इनपुट भी कह सकते हैं, इनपुट दो होते हैं और आउटपुट एक होता है। मीन्स कि हम लोग जो पावर जो देते हैं दो तरफ से और हमको जो आउटपुट मिलता है वो एक तरफ से, ऐसा कौन सा वाल्व है। वाल्व के बारे में पूछ रहा है और ये वाल्व जो है वो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक दोनों में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपका शटर बाईस नंबर सवाल था आपका कि किस वाल्व में हाइड्रोलिक, कौन सा ऐसा वाल्व है जिसको हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट और एक आउटलेट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि शटल वाल्व का उपयोग किया जाता है जिसमें दो इनलेट होते हैं और एक आउटलेट होता है शटल वाल्व में। अगला सवाल है आपका कि कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है। तो सीधा सीधा द्रव दबाव मतलब कि का प्रेशर है ना जी, तो प्रेशर कह रहा है तो प्रेशर गेज करेगा मीजर। प्रेशर को कौन मीजर करेगा, प्रेशर गेज करेगा। आपको पता है प्रेशर गेज क्या होता है, प्रेशर मीजर करने का काम करता है जो कि पास्कल और बार दोनों में इंडिकेट होता है, उसमें रीडिंग बने होते हैं। हमने आपको फोटो में भी दिखाया था एक बार प्रेशर गेज कैसा होता है। अगला है कि कौन सा वाल्व सिस्टम के द्वारा दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है यदि दबाव रेगुलेटिंग वाल्व खराब हो जाता है। मतलब प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है अगर वो खराब हो जाता है तो ऐसा कौन सा वाल्व सिस्टम है जो दाब को अधिक बढ़ने से रोक देता है, तो उसको बोलते हैं रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व क्या काम करता है, अगर आपका दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपका रेगुलेटिंग प्रेशर वाल्व जो है वो खराब हो चुका है तो ऐसे में काम आता है आपका रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व क्या करता है कि जैसे जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर होती है जो भी होता है या बहुत ज्यादा अधिक प्रेशर होने पे वो रिलीफ वाल्व अपने आप खुल जाता है और उस प्रेशर को कम कर देता है। इसका एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे आपके घर में कुकर प्रेशर से। कुकर प्रेशर आपके पास घर में होगा जिसमें दाल चावल और वगैरह और भी कुछ बनाया जाता है, उसमें आपने देखा होगा कि जहाँ पे ढक्कन का जो हैंडल होता है उस हैंडल के नीचे एक वाल्व लगा होता है नट टाइप का, वो भी एक तरह का रिलीफ वाल्व ही है ना। वो क्या करता है कि जब कभी अगर आपका सीटी जो है वो जाम हो जाता है, कुकर का सीटी जाम होने पे और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और कुकर फट ना जाए, इस वजह से उसमें से वो वाल्व दिया जाता है जिसको रिलीफ वाल्व बोल रहे हैं। वो क्या कर रहा है, कुकर फटने की बजाय वो रिलीफ वाल्व खुल जाता है और वो सारा प्रेशर बाहर कर देता है। इससे क्या होता है कि कुकर फटने से बच जाता है, है ना, प्रेशर का प्रेशर जो भी रहता है वो बाहर निकल जाता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। तो रिलीफ वाल्व का काम है, तो रिलीफ वाल्व समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला बात करेंगे 26 नंबर सवाल का कि ऐसा कौन सा वाल्व जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दाब से बचता है। सेम जवाब है इसका भी, रिलीफ वाल्व भी होगा इसका भी आंसर। अगला है कि कौन सा प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा प्राप्त करती है। तो हवा का बात आ गया तो न्यूमेटिक और तरल का बात आ गया तो हाइड्रोलिक, ये दो चीज पर कॉन्सेंट्रेट रहो बाबू। कहे कि देखो हाइड्रोलिक में हम लोग फ्लूड का इस्तेमाल करते हैं और न्यूमेटिक में हवा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। जहां भी आ जाए संपीड़ित हवा की बात कर रहा है यानी कि कंप्रेस हवा की बात कर रहा है, तो कंप्रेस हवा का इस्तेमाल हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम में करते हैं ऊर्जा इनपुट के रूप में। और कंप्रेस फ्लूड की बात करेगा, कंप्रेस तरल की बात करेगा, संपीड़ित तरल की बात करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक सिस्टम हो जाएगा इनपुट ऊर्जा के रूप में। अगला सवाल है 28 नंबर कि गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है। ऐसा ही नहीं है, ये सी लिखा हुआ था, ऐसा ही हो गया टाइप में, टाइप करने में जल्दी जल्दी में। तो गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है तेल में। अगला सवाल जो गलत किया इसने, 30 नंबर सवाल कि जीग एक डिवाइस है जो कि क्या करती है,
जॉब को पकड़ती है, टूल्स को लोकेट करती है, जॉब को लोकेट करती है, इतने सारे काम है इसको, वर्कपीस को भी लोकेट करती है, टूल्स को भी लोकेट करती है, मतलब जितने भी इसमें ऑप्शन में दिए होंगे सारे हो जाएंगे आपके सही जवाब। तो जी एक डिवाइस है आपके। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 31 नंबर सवाल है आपका। 31 नंबर सवाल कहता है कि जिग और फिक्चर के उत्पादन के साधन है, यानी कि प्रोडक्शन के एक साधन है, जिसका प्रयोग डुप्लीकेट्स पार्ट्स का परिशुद्धता से उत्पादन के लिए किया जाता है। डुप्लीकेट्स कहने का मतलब तुम लोग का दिमाग में अलग ही चीज आता है। डुप्लीकेट्स कहने का मतलब ये एक मोबाइल है ना, तो ये मोबाइल है तो एक मोबाइल तो हमने बनाया एक, है ना, पहले बना लिया एक मॉडल बना लिया किस तरह का मोबाइल होगा, इतना जीबी का रैम होगा, इतना पावर का बैटरी होगा, इतने देर में चार्जिंग होगी, इतने मेगापिक्सल की कैमरा होगी, ये एक मेन मोबाइल हो गया। अब सेम तरह के मोबाइल बहुत सारे बनाने को कहते हैं डुप्लीकेट पीसेस बनाना, तो ये वो डुप्लीकेट्स की बात कर रहा है, ये नहीं कि फर्जी डुप्लीकेट, जैसे डुप्लीकेट नोट कहा जाता है कि 2000 युवा का डुप्लीकेट नोट आओ, है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में नहीं चलेगा, ये जैसे पीस बनाया तो इसका सेम चीज हम एक और बनाएंगे तो वो भी मार्केट में चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि दोनों में खूबियां और स्पेसिफिकेशन जो दोनों का है वो सेम है, तो दोनों के दोनों चीजें चलेगी, तो ये वो डुप्लीकेट्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जिग और फिक्चर एक प्रोडक्शन का साधन है जिसमें जिसका प्रयोग करके डुप्लीकेट्स पार्ट्स को परिशुद्धता में उत्पादन करने के लिए किया जाता है, मतलब शुद्धता के साथ प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। जिग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जिग्स के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो सही नहीं है। तो जिग्स क्या कर रहा था, जॉब को पकड़ रहा था, जॉब को लोकेट कर रहा था, टूल्स को लोकेट कर रहा था, ये तीन काम कर रहा था, लेकिन टूल्स को नहीं पकड़ रहा था। जी टूल्स को तो पकड़ने का काम तो चक करेगा, ड्रिल चक करेगा, फोरजा चक करेगा, थ्रीजा चक करेगा, या फिर कोई भी चक जो मशीन का में जो लगा रहेगा या जा करेगा, लेकिन जीग जो है वो जॉब को पकड़ता है, टूल्स को लोकेट करता है और जॉब को लोकेट करता है, इतना काम है, टूल्स का पकड़ने का काम नहीं है, तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। देखिए आप 32 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि जीग की टोलरेंस होनी चाहिए, ये प्रतिशत में देते हैं हम लोग, जीग की टोलरेंस कितनी होगी, तो जितनी जॉब की टोलरेंस होगी उससे 20 से लेकर 50% तक हम लोग टोलरेंस दे सकते हैं, किसको, जीग्स में हम लोग टोलरेंस दे सकते हैं, जॉब की अपेक्षा 20 से लेकर के 50% तक। सभी लोग को स्क्रीन दिख रही है बाबू, किसी को कोई परेशानी है? नहीं। हाँ बताइए। अभी ब्लैक हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गया, दिखने लगा सर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जीग की टोलरेंस कितनी होनी चाहिए समझ में आ गया, 20 से लेकर के 50% तक जॉब के अनुसार, है ना, जॉब की जितनी टोलरेंस होगी उसका 20 से लेकर के 50% तक हम लोग जीग में टोलरेंस देते हैं। अगला सवाल है आपका कि डबल एक्टिंग सिलेंडर है ना का कौन सा भाग सिलेंडर में वायुमंडल में रिसाव को रोकता है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि डबल एक्टिंग सिलेंडर होता क्या है। एसएन पंडित बताइए, डबल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं सर। कहां से होगा, आपने क्लास तो किया नहीं था, ऑनलाइन क्लास में जब न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो आप पता नहीं कहां थे, क्लास में अब्सेंट रहेंगे तो इस तरह की चीजें आएंगी। अब जब आपको डबल एक्टिंग सिलेंडर का मतलब नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बताइएगा कि वायुमंडल में रिसाव को कैसे रोकता है भाई, पहले तो ही नहीं पता है आपको कि डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या होता है। चलिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा शॉर्ट में कि डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या होता है। सीधा सीधा आपको सिलेंडर पता होगा कि एक सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन होता है और वो किसी भी एक्सटर्नल पावर के द्वारा पिस्टन को सिलेंडर के अंदर रन करवाता है ना, रन करवाता है यानी मूव करवाता है, ये एक पिस्टन है आपका। तो देखिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होता है कि जो हम लोग जो इनपुट जो देते हैं यानी इनपुट पावर जो देते हैं वो सिर्फ एक तरफ से देते हैं, है ना, एक तरफ से देते हैं, एक तरफ से दिया छोड़ दिया, दिया छोड़ दिया, तो वो होता है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होता है कि इधर से भी इनपुट,
इधर से भी इनपुट दिया और इधर से भी इनपुट दिया, दोनों तरफ से। इधर से इनपुट दिया तो हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर इधर भाग गया, और इधर से इनपुट दिया तो पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर इधर भाग गया। तो ये होता है हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो इस तरह से डबल एक्टिंग सिलेंडर काम करता है। तो सवाल था आपका कि डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग जो है वो सिलेंडर के वायुमंडल में रिसाव को रोकता है, तो उसको बोलते हैं रोड सील। सील सीधा सीधा एक जैसे बासर, क्या बासर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, नल में जो बासर देते हैं कि रिसाव को रोकेगा, पानी गिरने नहीं देगा और पानी को रिसने नहीं देगा, उसी प्रकार से हम लोग सिलेंडर में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग रोड सील बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि तरल पदार्थ में धूल, चिप्स, अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो तरलों पर, ये तरल पदार्थ ही नहीं, कहीं पे भी हवा को भी छानने के लिए हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिल्टर है आपका, बहुत बढ़िया। घर में जो पानी जो हम लोग पीते हैं उसमें भी फिल्टर लगा है घर में आपके, किन्हीं के यहाँ आरओ वाला लगा होगा, किन्हीं के यहाँ कुछ भी लगा होगा, या फिल्टर, या जिसको हम लोग छन्नी से सीधा सीधा चाय छान के जो पीते हैं वो भी एक तरह का फिल्टर ही है। हर वो चीज जो किसी स्पेसिफिक पार्ट्स को किसी मटेरियल में से अलग कर देती है वो फिल्टर का काम कर रही है। अब देखिए जैसे आप लोग क्या कर, चावल से भूसा को निकालने के लिए हम लोग गांव देहात में पंखा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक फिल्टर करने का काम कर रहा है, धूल को अलग कर रहा है, चावल को अलग कर रहा है, फिल्टर कर रहा है वो भी, तो ये फिल्टर होते हैं। चलिए अगला बात करेंगे 35 नंबर सवाल का कि तेल के हाइड्रोस्टेटिक दबाव द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल जो गलत किया है 38 नंबर कि दिशा नियंत्रण वाल्व को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा। दिशा नियंत्रण वाल्व की बात कर रहा है, तो भागों और पोजीशन की संख्या, उसकी पोजीशन कितनी है और उसके कितने भाग है, उसके अनुसार से वर्गीकृत कर रहे हैं। वर्गीकृत करने का मतलब उसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं, है ना। तो दो भाग, दो तरह से कर सकते हैं उसको वर्गीकृत, भागों और उसकी पोजीशन की संख्या के अनुसार कर सकते हैं। अगला है कि निम्न में से किस जीव का प्रयोग जो है वो बोर से लोकेशन के लिए करते हैं। बोर से लोकेशन मतलब जो भी आपके पास, अगर मान लीजिए कोई होल वाला जॉब है, बोर किया हुआ है, होल है उसमें किया हुआ, तो उसकी लोकेशन के लिए, तो उसके लिए हम लोग पोस्ट जीव का प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट जीव वाला। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किस जीव का प्रयोग जो है वो बोर के लोकेशन के लिए किया जाता है, तो पोस्ट जीव, क्योंकि ये सवाल जो है वो थोड़ा घुमाने लायक है। अगला सवाल जो गलत किया है 44 नंबर है वो कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका जीग का प्रयोग जो है प्लेनिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, बिल्कुल नहीं, जीग का ऑपरेशन प्लेनिंग ऑपरेशन के लिए कर ही नहीं सकते। प्लेनिंग ऑपरेशन में किसको करते हैं, प्लेनिंग ऑपरेशन हम कहाँ करते हैं, लेथ मशीन पे करते हैं या प्लेनर मशीन पे करते हैं। तो वहां पे जॉब पकड़ने के लिए अलग अलग डिवाइस है, जैसे लेथ मशीन में फोरजा, थ्रीजा और फेस प्लेट है, वैसे प्लेनर मशीन में अलग तरह के डिवाइस होते हैं, तो जीग का प्रयोग नहीं करते उसमें। अगला है कि निरपेक्ष दबाव की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज इनटू गेज प्रेशर, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब, है ना, गुने गेज प्रेशर। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, जनरली रूप से आप कहीं भी वायुमंडलीय दाब पता कर सकते हैं। आपके एंड्रॉइड फोन है आपके पास, आपके घर के पास कितनी तेज हवा चल रही है, आप फोन से पता कर सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, है ना, ये चीज कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो वायुमंडलीय दाब होता है और निरपेक्ष दाब पता करने की गणना पूछ रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर बराबर या निरपेक्ष दाब बराबर एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब गुने गेज प्रेशर, है ना, गेज प्रेशर जो आपका प्रेशर गेज होता है या गेज प्रेशर जो भी बोल रहे हैं हम लोग, वो हो जाएगा आपका। तो अब आपका क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर आप निकाल पाएंगे। अगला है कि प्रायः ड्रिल जिग ड्रिलिंग मशीन में टेबल के साथ क्लैंप नहीं किया जाता। कह रहा है कि ड्रिल जिग में, जो ड्रिल जिग जो होता है ड्रिलिंग मशीन में, टेबल के साथ क्लैंप नहीं किया जाता, मतलब कि बांधा नहीं जाता है, इसके लिए क्या कारण है। आपने देखा होगा आप जब ड्रिलिंग करने जाते होंगे तो आपका जो जिग जो है जिसमें हम लोग जॉब बांध के लोग ड्रिल करते हैं, उसको टेबल के साथ फिक्स नहीं किया जाता है, बस एक नट फंसा दिया जाता है। पता है क्यों, क्योंकि अगर सुदृढ़ हो जाएगा, अगर रिजिड हो जाएगा तो क्या होता है, ड्रिल मशीन हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता है ना, और तो टूल्स भी हिलता है। आपको पता है कि जो ड्रिल बिट जो होता है वो हार्ड मटेरियल का बना होता है, और जो हार्ड मटेरियल होता है उसमें ब्रिटलनेस भी होता है, और जब ब्रिटलनेस होगा, हिले डोलेगा बाबू, तो टूट जाएगा।
तो इस वजह से किया जाता है कि उसको सुदृढ़ न बनाया जाए, इस वजह से किया जाता है क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए पर्याप्त सुदृढ़ता होता है, इस वजह से नहीं किया जाता है, उसको बांधा नहीं जाता है, उसको क्लेम्प नहीं किया जाता है, उसको बस रख के काम करते हैं हम लोग। अगला है कि प्रायः ड्रिल जिग बुशिंग की धातु होती है तो टूल स्टील की बनी होती है और हार्ड एंड टेम्पर्ड भी की हुई होती है। अगला है कि फिक्स रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फिक्स रिन्यूएबल बुशिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग प्रत्येक होल में एक ऑपरेशन कारण होता है, परंतु जिग के जीवन काल में कई बुशिंग के प्रयोग किए जा सकते हैं। चलिए अगला है सवाल, 49 नंबर सवाल है आपका कि रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए निम्न में से किस बुश का प्रयोग किया जाता है, तो रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए हम लोग लाइनर बुशिंग का प्रयोग करते हैं। बुशिंग वाला सवाल ना बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर वालों के लिए, है ना, रट लो कैसे भी करके, जैसे भी तुमको रटना है रट लो, कॉन्सेप्ट से पकड़ना है कॉन्सेप्ट से पकड़िए, लेकिन रट लीजिए। बुशिंग वाला सवाल आपको बहुत परेशान करेगा, मतलब परेशान उनको करेगा जो पढ़ेंगे नहीं, जो पढ़ेंगे उनके लिए तो कुछ है ही नहीं है, हलवा है एकदम, है ना, जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए उनको परेशान करेगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आज के सेशन का सबसे लास्ट सवाल सेकंड ईयर का, कि वेल्डिंग द्वारा जॉब को आसानी से फेब्रिकेट करने के लिए प्रयोग होने वाला निम्न में से कौन सा डिवाइस है जो इस डिवाइस में सेट रहता है और आवश्यकता अनुसार 360 डिग्री में स्विवल भी किया जा सकता है। सीधा सीधा कह रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें हम लोग जॉब को बांध के वेल्डिंग करते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर 360 डिग्री में घूम सकता है। ये सीधा सीधा देहाती भाषा में सवाल है आपका, तो आपका फिक्चर है, जी को हम लोग 360 में नहीं घुमा सकते हैं, फिक्चर को हम लोग घुमा सकते हैं, तो ये सवाल था। अब इसमें किन्हीं को किसी सवाल में परेशानी है तो हमसे क्वेश्चन राइज कीजिए, सभी लोगों को क्वेश्चन पूछना अति आवश्यक है, नहीं तो हम पूछेंगे, हमारे पास समय आज काफी है। तुम खुद ही से पूछ लो ना, तो हम एक एक करके पूछेंगे। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब आपको सारा सेशन समझ में आया है। परेशानी अगर आपको मन में डाउट नहीं है तो उसका दो ही रीजन होता है, या तो सब समझ में आ गया या फिर कुछो समझ में नहीं आया, तो उसका पता करने का हमारे पास उपाय है। सबसे पहला सवाल जो है संतोष मालाकार से है, आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा, संतोष मालाकार अनम्यूट कीजिए तो। जी सर। टूल्स को लोकेट करना है, जॉब को पकड़ना है और जॉब को भी लोकेट करना है, किसका प्रयोग करेंगे, ड्रिलिंग के लिए, रिमिंग के लिए, जिस भी ऑपरेशन के लिए, आप मान लीजिए। ठीक सर, का सर इतना मारेंगे ना गदावा। जीक का सर। सर तो गाइड बोले थे सर, लोकेट करना। अंकित को कैसे सुना गया, हमने क्या बोला, टूल्स को गाइड करता है, जॉब को पकड़ता है और जॉब को गाइड भी करता है। और सतर्क तो जी करता है। एक घंटा हम तुमको गाइड नहीं सुने, और एक घंटा तुमको हम भाषण देने के बाद तुम्हारे तरफ से हमको गलत जवाब मिले, वो भी इतने आसान सवाल का। गाइड नहीं सुने थे सर, इसलिए बोले। चलिए कोई नहीं, अंकित कुमार आपसे सवाल है, अंकित आप बताइए, अंकित राज, कि ऐसा कौन सा वाल्व है जिसमें दो इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है, जिसका उपयोग हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम दोनों में करते हैं, आउटलेट एक और इनलेट दो, यानी इनपुट दो तरफ से देते हैं और आउटपुट एक तरफ से निकलता है, ऐसा वाल्व कौन सा है, इसका नाम बताइए आप। ना मालूम है सर, गेट वाल्व। पानी बहाना है रे, गेट वाल्व तो आप पूछे वही ना सर, दोनों तरफ से, मतलब जिसमें जा सकता है। हमने क्या बताया, जो न्यूमेटिक में भी इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम में भी इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम, समझ रहे हो तुम। यस सर।
गेट वाल्व का इस्तेमाल करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम में। गेट वाल्व क्या करता है, गेट वाल्व वन वे एक तरफ पानी को कंट्रोल करने वाला वाल्व है, सिर्फ एक तरफ जाने देता है पानी को, दूसरा वो लौट के वापस नहीं आने देता है। और हाइड्रोलिक में ऐसे वाल्व का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग, जिसमें वो वापस लौट के नहीं आएगा तो फिर हमारा तो गैस निकल गया, फिर नया हवा भरो, नया तेल भरो। देखा है कहीं भी जो ट्रैक्टर जो तुम्हारे घर गांव खेत में चलता होगा तो हाइड्रोलिक से जो उठाता है, टेलर उठा के जो बालू रेत गिराता है वो कभी भी तेल को चेंज करता है जी। एक बार पानी गिरा, एक बार हाइड्रोलिक का तेल उठाया तो उसका तेल खत्म हो जाता है, फिर नया तेल डाल देता है तुरंत। रिटर्न आएगा ना हाइड्रोलिक से, प्रेशर देगा, तेल जाएगा ऊपर, टेलर को उठाएगा, रेत गिराएगा, फिर वो तेल वापस आके टंकी में स्टोर हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग गेट वाल्व का कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमने कितना प्यार से अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले कि शटल वाल्व जो होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम दोनों में करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है वो एक तरफ से आउटपुट लेते हैं और दो तरफ से इनपुट देते हैं, या दो तरफ से इनपुट देते हैं और एक तरफ से आउटपुट लेते हैं, या दो तरफ इनलेट होता है और एक तरफ आउटलेट होता है। तीन चार तरह से हमने आपको बताया, आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे शायद, इस वजह से आपने गलती कर दी। दीपक कुमार से हमारा सवाल रहेगा। दीपक कुमार अनम्यूट कीजिए। एक लाख पास्कल बराबर कितना होता है, प्रेशर की यूनिट में ही बताना है। एक लाख पास्कल बराबर या दस के पावर पांच पास्कल बराबर कितना होता है, प्रेशर के ही यूनिट में बताना है आपको। बार होगा सर। कितना बार, कितना बोले आप, एक लाख। एक लाख पास्कल या दस के पावर पांच पास्कल। दस के पावर पांच तो एक लाख तक ही। कितना बार होगा, बार तुम्हारा सही जा रहे हो, कै बार। दस बार होगा, यहीं से मारेंगे ना। दस बार होगा, सबसे पहले सवाल था। एक बार होता है, एक लाख पास्कल बराबर एक बार, या दस के पावर पांच का हो या एक लाख का हो, बात तो बराबर है ना। तो मेट्रिक यूनिट में पूछ रहा है, तो मेट्रिक यूनिट क्या होता है, पास्कल बार, दोनों मेट्रिक ही यूनिट है ना। तो बार होगा, एक बार हो जाएगा आपका, पहला ही सवाल था आपका। देखो यहाँ पे पहला क्या सवाल है, एक लाख पास्कल के बराबर दबाव में एक मीट्रिक इकाई में कौन सा शब्द आता है। तो एक बार, या खाली बार भी बोल देगा तो चलेगा। एक लाख पास्कल बराबर बार होता है या एक बार होता है, कौन ये किसके तरफ से आवाज आ रहा है, म्यूट कीजिए। चलिए अगला, दीपक कुमार से हो गया, संतोष से हो गया, अंकित कुमार से हो गया। हाँ एमडी दिलशाद अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ ये बताइए कि हाइड्रोलिक सिस्टम में सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक पंप का फेल होने का कारण या किसी भी चीज का दिक्कत होने का कारण क्या होता है, या सीधे सीधे आप हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या इस्तेमाल करते हैं ये बताइए आप पहले। हाइड्रोलिक सिस्टम में सर पंप इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया। और कुछ हो बताओ, हाइड्रोलिक सिस्टम से पंप इस्तेमाल करते हैं। हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में इनपुट एनर्जी के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं। इनपुट एनर्जी के रूप में जनरेटर चली देखा है। यस सर। तुम्हारे घर में बाइक होगा है ना, बाइक में कौन सी डालते हो, कौन एनर्जी डालते हो कि तुम्हारा बाइक चलता है। हाइड्रोलिक बनावे वाला दुकान हाइड्रोलिक बाइक में हाइड्रोलिक एनर्जी ना पेट्रोल ना डालते हो रे। पेट्रोल तो है ही सर। हाँ तो पेट्रोल तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि हाइड्रोलिक में क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग। पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, माने तरल में कुछ इस्तेमाल करते हैं। सीधा सीधा फ्लूड बोलो ना बागल कि फ्लूड इस्तेमाल करेंगे। फ्लूड में आपका ज्यादातर वैसे फ्लूड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तीन तरह के होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वैसे फ्लूड का इस्तेमाल करते हैं या तरल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी विस्कोसिटी अच्छी होती है। समझ रहे हैं, विस्कोसिटी का मतलब समझ रहे हैं, बहाव की दर।
विस्कोसिटी जिसकी अच्छी होती है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे आपका मोबिल मोबिल देखा है आपने, जो इंजन में भी इस्तेमाल करते हैं, बाइक में भी डालते हैं और हाइड्रोलिक में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग मोबिल का इस्तेमाल, तो वो होता है। अच्छा अगला सवाल जो है तुमसे ही है दिलशाद, तुमसे ही पूछेंगे, न्यूमेटिक में क्या इस्तेमाल करेंगे? कोई नहीं बोलेगा, दिलशाद बोलेगा। 10-91 दिलशाद। यस सर। न्यूमेटिक में क्या करेंगे? न्यूमेटिक में सर तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो तुम। हमने कितना बार बताया आपको, जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से, इसके बाद जब हमने आपका लेक्चर क्लास लिया तब से, इसे जब न्यूमेटिक हाइड्रोलिक पढ़ा रहे थे तब से, हाइड्रोलिक में तरल इस्तेमाल करते हैं, फ्लूड इस्तेमाल करते हैं और न्यूमेटिक सिस्टम में हवा का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक में हम लोग फ्लूड को यानी कि तरल को कंप्रेस करके मैकेनिकल एनर्जी में बनाते हैं, है ना, कंप्रेसर के द्वारा, और न्यूमेटिक सिस्टम में हवा को कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस करके दबाव डाल के और उसका में हम लोग उसकी वेलोसिटी बढ़ा के उसको हम लोग अलग एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसको मैकेनिकल एनर्जी कह लो, मैकेनिकल एनर्जी में इस्तेमाल कर लो या फिर कहीं किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको कन्वर्ट करके। मतलब कि हाइड्रोलिक में हम लोग फ्लूड का इस्तेमाल करते हैं यानी तरल का इस्तेमाल करते हैं और न्यूमेटिक सिस्टम में हवा का इस्तेमाल करते हैं। इतनी छोटी सी बात कितना बार बताना पड़ेगा तब तुमको याद रहेगा? और आप बताओ किसी को, अब अभी तक तो किसी के मन में डाउट ही नहीं था, अब जब मैं सवाल पूछने लगा तो बस डाउट ही डाउट आ रहे हैं। आप पूछिए, आप सवाल पूछिए ऐसे इस तरह के, और किसी के भी बेसिक सवाल में भी किसी को दिक्कत है तो पूछिए। नहीं पूछेंगे, फर्स्ट ईयर वालों से मेरा सवाल है एक कि तुम लोग के नंबर कम आ रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले के, जिनके अच्छे आ रहे हैं उनके अच्छे आ रहे हैं, जिनके कम आ रहे हैं उनके कम ही आ रहे हैं, मीन्स की ग्रोथ रेट जरा सा भी नहीं है, नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। एक दो लड़के हैं जिनका नंबर अच्छा आ रहा है, वो स्टार्टिंग से ही आ रहा है और बाकी लोगों के नहीं आ रहे हैं। आवाज आ रहा है? कौशिक कुमार, टुन्नू कुमार, सभी लोग अनम्यूट कीजिए।